हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल सखी कॉर्नर। आज के वीडियो है गर्मियों के लिए अगर आप बहुत ही अच्छा सा एक फेस मास्क ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, अपना हम फर्स्ट फेस मास्क बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा मसूर दाल पाउडर। मसूर दाल हमारे किचन में इजीली होता है, तो आप उसका पाउडर बना लीजिए और उसे हमें ले लेना है एक बाउल में दो छोटे चम्मच मैंने लिया है। उसके बाद आपको ऐड करना है हल्दी। हल्दी बहुत ही थोड़ा सा ऐड करिए क्योंकि गर्मियों का सीजन है। ज़्यादा हल्दी आपके स्किन पे अगर आप यूज़ करते हो गर्मियों में तो पिंपल्स भी हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं गर्मियों से। तो उसके बाद अब हमें आप यहाँ पे ऐड किया है नींबू का रस। ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है, इसमें भर के विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा हो। नींबू का रस ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इन्हें आपको आपस में अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। दही आप गर्मियों में खाएं और चेहरे पे लगाएं, तभी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसे आपको अपने फेस पे लगा लेना है 20 मिनट के लिए, उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फेस मास्क की तरफ। दूसरा फेस मास्क बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए होगा ओट्स पाउडर। ओट्स पाउडर भी बनाना बहुत ही आसान है। इसे आपको 2 छोटे चम्मच ले लेना है ओट्स पाउडर का, या फिर आप अगर पाउडर नहीं बना रहे हो तो होल ओट्स भी आप ले सकते हो। 2 छोटे चम्मच आप ले लीजिए। ओट्स हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है, हमारे स्किन में ग्लो ऐड करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग दिखे तो ओट्स का यूज़ करिए खाने में और लगाने में फेस पे, दोनों में। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है 2 छोटे चम्मच शहद का। शहद भी बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन को नेचुरल नरिश करता है और हमारे स्किन को जितने भी डॉट होते हैं उन सबों को क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटे चम्मच नींबू का रस। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कोई भी फेस मास्क अप्लाई करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लिया करें। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ऐड कर देना है दही का। दही हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल तो है, पर ये आपके स्किन से डेड सेल्स को हटाती है, आपके स्किन पे ग्लो लाती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी हील करती है और ये नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम भी करता है। इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड किया था और इन सारी चीज़ों को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे इस फेस मास्क को। ये रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए। इस फेस मास्क को आप अप्लाई करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों फेस पैक गर्मियों के लिए आपको कैसा रिजल्ट दिया इन गर्मियों में और कैसा रहा आपका अनुभव इन दोनों फेस मास्क के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। जब तक आप बेल आइकन को हिट नहीं करोगे तब तक हमारा अगला वीडियो आपके पास कैसे आएगा, तो बेल आइकन को हिट करिए। थैंक यू।